हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट प्रॉब्लम। आज से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू के प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और आज उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने आइसोमेट्रिक का पूरा बेसिक स्टडी कर लिए थे, जिसमें हमने आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करना, आइसोमेट्रिक स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना, आइसोमेट्रिक पेंटागॉन, आइसोमेट्रिक हेक्सागॉन, आइसोमेट्रिक सर्कल, ये सब कैसे ड्रॉ करना, ये सब ऑलरेडी हमने स्टडी किए थे। अगर आपने इसके पहले के वो सभी वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी वीडियोज़ का लिंक दिया है, आप वो सभी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में अभी आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट प्रॉब्लम ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू फॉर द गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू शोन बिलो। तो फाइनली क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए, ये है ऑर्थोग्राफिक व्यू और आपको ये ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू फॉर दिस गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सिस में तीन एक्सिस आती है, एक एक्स एक्सिस, एक जेड एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइन होती है और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, दैट इज वर्टिकल होती है। तो आइए ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ तीन एंगल हम ले लेंगे। तो दो 30 डिग्री का एंगल, ये देखिए, ये 30 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल और इधर फिर से 30 डिग्री का एंगल। और अब हम एक्सिस बनाते हैं। तो ये हम बनाएंगे वाई एक्सिस, इधर रहेगा जेड एक्सिस और इधर रहेगा एक्स एक्सिस। तो ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइन है, जेड एक्सिस भी 30 डिग्री से इंक्लाइन है और वाई एक्सिस 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। अब ये ऑर्थोग्राफिक व्यू से जो आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है वो यही तीन एक्सिस के बीच में ड्रॉ करना है। ये तीन एक्सिस को आइसोमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। तो आइए इनके बीच में ड्रॉ करना। तो ये जो ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया है, इसमें फिलहाल यहाँ पे दो व्यू दिए हैं, देखिए, एक ऊपर का एक नीचे का। हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर का जो व्यू है ये फ्रंट व्यू होता है और नीचे का जो व्यू है वो टॉप व्यू होता है। तो ये हम लिख लेंगे, ये है फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। तो अब ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू है, इसमें साइड व्यू दिया नहीं है। साइड व्यू दिया है तो कैसे ड्रॉ करना, वो भी हम इसके आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे। आपको ये 2D व्यू को 3D व्यू में कन्वर्ट करना है। 3D व्यू जो ड्रॉ होता है वो यहाँ पे ड्रॉ होता है, 3D व्यू को ही आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। तो आइए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू है ये कहाँ पे ड्रॉ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे कि वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करेंगे कि एक्स जेड प्लेन में ड्रॉ करेंगे, वो कैसे समझ में आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू को देख के ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना पड़ेगा। अब इसमें जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया है उसका क्या मतलब है, तो फ्रंट व्यू मतलब क्या, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप फ्रंट से देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो जो व्यू आपको दिखता है दैट इज अ फ्रंट व्यू। और वही ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से देखते हैं, इट मींस अगर आप टॉप से देखते हैं, तो जो व्यू बनता है वो है टॉप व्यू। इट मींस कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा है, इमेजिन करो, और वही ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। तो अब ये हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे उसका 3D व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ 3D व्यू ड्रॉ करते समय ये जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया है इनको चेक करो, प्रॉपरली चेक करो। तो ये जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू का ये जो भी व्यू दिया है ये सिमेट्रिकल व्यू है। इट मींस अगर आप इसको बीच में से कट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इट मींस इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम है। अगर आप इसको बीच में से कट कर लेंगे तो इसका राइट और लेफ्ट ये बिल्कुल सेम है। इट मींस ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने का फायदा ये है कि ये फ्रंट व्यू आप एक्स वाई प्लेन में बनाओ या वाई जेड प्लेन में बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, वाई जेड प्लेन में बनाएंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता तो फिर हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सोच समझ के ड्रॉ करना पड़ता कि एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करने से ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एजेस दिखेंगी क्या, या वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करने से ज़्यादा एजेस दिखेंगी क्या, क्योंकि कौन से प्लेन में ड्रॉ करना ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता। ऑर्थोग्राफिक व्यू बस ये एग्जाम में दिया होता है, आपको उसको देख के आपको डिसाइड करना है कि फ्रंट व्यू जो
ड्रॉ करेंगे वो आप एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे या वाई जेड प्लेन में। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो हमें ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके यहाँ पे रफ में थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना पड़ता और ये देखना पड़ता कि कौन से प्लेन में बनाने से कितनी ज़्यादा एजेस दिखती है, क्योंकि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप करेक्ट प्लेन में बनाएंगे। अब वो एक्स वाई प्लेन में बनाने से ज़्यादा एजेस दिखती है या वाई जेड प्लेन में बनाने से ज़्यादा एजेस दिखती है वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस टाइप से है। तो फिलहाल तो ये सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है तो ये हम ड्रॉ करेंगे, अनसिमेट्रिकल प्रॉब्लम भी हम इसके बाद के वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो फिलहाल ये सिमेट्रिकल प्रॉब्लम में हमने आपको बता दिया है कि फ्रंट व्यू आप एक्स वाई प्लेन में बनाओ या वाई जेड प्लेन में बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो ये फ्रंट व्यू को हम एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे। ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू इट मीन्स ये जो फ्रंट व्यू है इसको हम एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे। और हमने आपको ऑलरेडी इसके पहले के वीडियोस में बताए थे कि जब भी आप कोई व्यू एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे तो एक्स वाई प्लेन में बनाते समय ऑर्थोग्राफिक व्यू का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर आपको ग्राउंड में रखना है। ये हमने इसके पहले के वीडियोस में बताए थे। तो ये देखिए, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर, ये जो है ये ऑर्थोग्राफिक व्यू का लेफ्ट साइड का ये जो बॉटम कॉर्नर है, ये बॉटम कॉर्नर आप यहाँ ग्राउंड में रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे रखेंगे और आप ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान में रखिए, ये जो कॉर्नर है हम इसको कहेंगे फिलहाल P, तो हम ये यहाँ पे रखेंगे P। ये जो कॉर्नर P है, ये कॉर्नर P को हमने यहाँ रखे हैं और अब हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर हम पूरा का पूरा आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे। अब जो बॉक्स ड्रॉ करना है वो काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो आपको एक कॉर्नर ग्राउंड में ले लेना था, वो आपने पहले ही ले लिए। ये देखिए, ये जो लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर है, लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर जो है वो आपने ग्राउंड में ले लिए क्योंकि आपको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है। वही अगर आपको वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करना होता तो आपने राइट साइड का बॉटम कॉर्नर यहाँ पे लिए होते। इट मीन्स यहाँ का राइट साइड का बॉटम कॉर्नर जो है, ये इधर का कॉर्नर आपने यहाँ ग्राउंड में लिए होते अगर आपने वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करना होता तो। लेकिन फिलहाल हम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर हमेशा ग्राउंड में लेना होता है। और अब हमें अगर बॉक्स ड्रॉ करना है तो ये पी है, तो हम इसको कहेंगे क्यू, हम इसको कहेंगे आर और हम इसको कहेंगे एस। तो ये पी क्यू आर एस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। तो ये हमने कंपास में P से Q का लेंथ ले लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, ये P से Q का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। तो ये कंपास का सेंटर यहाँ P पे रखो और कंपास का सेंटर P पे रख के आप इधर कट करो। तो ये आपने P से Q का लेंथ लिए तो यहाँ पे आपको मिल गया Q। तो ये आपको मिल गया Q, तो PQ आपको मिल गया। अब P से वर्टिकल लाइन देखिए, ऊपर S है, P से ऊपर S है और Q से ऊपर R है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ P से S का लेंथ लेंगे कंपास में, P से S का लेंथ और अब Q से R का लेंथ सेम है। तो यहाँ कंपास का सेंटर P पे रखो तो ऊपर मार्क करो तो ऊपर मिल जाएगा S। तो ये आपको मिल गया ऊपर S। उसी तरह से Q के ऊपर रखो कंपास का सेंटर और ऊपर एक आर्क बनाओ, क्योंकि ऊपर R यहाँ मिलने वाला है इसलिए हमने क्या किया, कंपास का सेंटर Q पे रखे और ऊपर एक आर्क बनाए। और अब हम क्या करेंगे, S से लेके R का लेंथ लेंगे, कंपास का यूज़ करके S से लेके R का लेंथ हम ले लेंगे और कंपास का सेंटर यहाँ पे S के ऊपर रखेंगे और ये जो आपने आर्क बनाए थे वो आर्क के ऊपर आप कट करेंगे। तो यहाँ पे आपको R मिल गया। अगर आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट मार्क करना बहुत आसान है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, X एक्सिस को पैरेलल यहाँ से S से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और Y एक्सिस को पैरेलल यहाँ से Q से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे आपको R मिलता है। अभी हमारे पास यहाँ पे रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कंपास से बना रहे हैं। तो कंपास से भी करेक्ट बनता है या मिनी ड्राफ्टर रोलर से भी करेक्ट बनता है। तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस बॉक्स मिल जाएगा, ये देखिए। तो ये देखिए, हमें बॉक्स मिल गया पी क्यू आर एस। तो ये देखिए पी क्यू आर एस, ये बॉक्स का फ्रंट पार्ट है। इट मीन्स आपने क्या किए, यहाँ पे जो फ्रंट व्यू का बेस था, फ्रंट व्यू का बेस यहाँ से यहाँ तक P से Q जो कि 60 mm था, देखिए यहाँ से यहाँ तक फ्रंट व्यू का बेस है 60 mm। ये 60 mm हमने कंपास में ले लिए, कंपास में 60 mm लिए थे, यहाँ से यहाँ तक कंपास में P से Q 60 mm लिए थे और हमने ये 60 mm इधर लिए थे। तो हमने यहाँ पे 60 mm लिए, देन हमने यहाँ से हाइट लिए थे। हाइट कितना लिए, P से S का हाइट लिए थे जो कि 40 mm था। तो जो यहाँ पे हाइट था वही हाइट हमने यहाँ पे लिए, P से S यहाँ भी हमने 40 mm लिए, Q से R यहाँ भी हमने 40 mm लिए। ये 60 by 40 ऐसा हमने 60 by 40 का बॉक्स बनाया। अब हमें इसका विड्थ शो करना है तो उसके लिए आपको टॉफ्यू की हाइट लेना पड़ेगा। तो टॉफ्यू की हाइट कितना है वो चेक करेंगे। ये देखिए, टॉफ्यू का हाइट है 30 mm। तो टॉफ्यू का हाइट जो है वो यहाँ पे आपको इधर जेड एक्सिस की तरफ लेना है। तो यहाँ से इधर लेंगे 30 mm। तो ये हमने स्केल रखे और यहाँ पे इधर हम 30 mm ले लेते हैं और
ये 30 mm ले लिए और अब हम यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस को पैरेलल। आपके पास अगर रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर है तो आप उससे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम और अब एस से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू द जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस को पैरेलल सेट करो और जेड एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल हम यहाँ एस से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास फिलहाल यहाँ रोलर स्केल है नहीं तो इसी को एज अ रोलर स्केल हम लेके चला रहे हैं। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में ऐसा बनेगा। अब ये बॉक्स पूरा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये जो लाइन है बॉक्स का ये जो एज है इसको एग्जैक्टली पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करो। तो इसको एग्जैक्टली पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आप रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये जो लाइन है ये एस से जो गई है ये जो एज है इसको आप पैरेलल ले लेंगे और यहाँ आर से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल यहाँ बॉक्स बन चुका है और अब जो भी बनेगा आइसोमेट्रिक व्यू वो ये बॉक्स के अंदर बनेगा। अब ये बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना कैसे वो हम देखते हैं। उसके लिए आप ये जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है इसके तरफ ध्यान देंगे। ये देखिए ये जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है उसमें ये जो पार्ट है ये देखिए ये जो इतना पार्ट है इसके अंदर कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं है। इट मीन्स ये पार्ट आपको पूरा फ्रंट से पूरा दिखाई दे रहा है। और ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल एक्चुअली एक स्लॉट है। इट मीन्स ये एक पूरा बॉक्स था और ये बॉक्स में से ये इतना पार्ट जो है वो कट किया है। इतना एक स्लॉट है यहाँ पे जो आर पार यहाँ से गया है पूरा स्लॉट। तो ये 20x10 का ये जो स्लॉट है ये देखिए ये स्लॉट का डेप्थ है 10 mm इसका डेप्थ दिया है। ये जो स्लॉट है इसका डेप्थ मतलब उसकी गहराई वो है 10। तो यहाँ पे ये स्लॉट आपको शो करना है और ये PQRS बॉक्स आपके पास तैयार है। ये देखिए ये जो PQRS है ये बॉक्स में आपको वो स्लॉट शो करना है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना बहुत आसान है। देखिए P से Q, Q से R, P से S ये इतना पार्ट डार्क है तो ये आप डायरेक्टली आप डार्क बना सकते हैं। जो भी यहाँ हम ब्लैक कलर से बनाएंगे वो आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय डार्क लाइन से ड्रॉ करना है। और जो कुछ भी हमने यहाँ रेड कलर से ड्रॉ किया है ये देखिए अभी तक हमने ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया है ये पूरा रेड पेन से बनाया है। तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन आप जब ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो आप फेंट बनाएंगे और ब्लैक कलर से जो हम बनाएंगे वो आप डार्क बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम बेस यहाँ बना लेते हैं और अब हम इसका हाइट बनाएंगे। इधर भी हाइट बनाएंगे देखिए अभी तक हमने क्या क्या बनाए। हमने ये S से P, P से Q और Q से R हमने बना दिए। ये देखिए S से P, P से Q और Q से R हमने बनाए। और अब हमें ऊपर में यहाँ पे स्लॉट शो करना है। तो ये जो स्लॉट है प्रॉपरली चेक करो। सबसे पहले 20 mm का स्ट्रेट है फिर यहाँ से भी आप 20 mm का स्ट्रेट लेंगे और नीचे डेप्थ है और ये बीच में है। तो ये देखिए हम यहाँ से 20 mm लेंगे स्ट्रेट और यहाँ से भी आर से इधर 20 mm लेंगे और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आप स्लॉट शो करेंगे जिसका डेप्थ रहेगा 10 mm का। तो ये देखिए एस से 20 mm, आर से 20 mm। तो ये हम यहाँ पे सबसे पहले मार्क करेंगे। तो ये देखिए ये हमने ले लिए S से यहाँ से इधर 20 mm लिए और R से भी इधर 20 mm लिए। हमने यहाँ पे देखिए S से 20 mm है, R से 20 mm है और बीच में है 20 mm। तो ये देखिए ये जो बीच में ये जो स्पेस बचा है ये है 20 mm। और हमें क्या करना है ये जो बीच में 20 mm है यहाँ से आपको उसका डेप्थ शो करना है। यहाँ पे एक स्लॉट कटा है इट मीन्स इतना पार्ट जो है वो कट गया है। तो यहाँ पे आपको उसका डेप्थ ये देखिए उसकी गहराई है 10 mm। तो आप क्या करेंगे यहाँ से आप 10 mm और यहाँ से आप 10 mm वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा नीचे लेंगे क्योंकि यहाँ से डेप्थ है। तो यहाँ से हम 10 mm हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से भी हम 10 mm लेंगे देखिए और इधर के एज से भी आप 10 mm लेंगे। 10 mm मतलब 1 cm ये देखिए ऐसा। और अब ये दोनों को इधर ज्वाइन कर लो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये देखिए ये ऐसा बनेगा। तो ये है 60 mm। ये जो 60 mm का बेस था ये 60 mm का बेस हमने यहाँ ले लिए। देन यहाँ पे हाइट है 40, उधर भी हाइट है 40। तो ये हमने ले लिए इधर से 40 40। देन ये है 20 20 20। तो ये देखिए ये 20, देन ये 20 का गैप और ये 20 और इसका डेप्थ है 10। तो ये देखिए इसका डेप्थ हमने ले लिए 10। और ये हो गया फ्रंट व्यू। देखिए ये हमने जो फ्रंट व्यू यहाँ दिया था ये फ्रंट व्यू आपने यहाँ पूरा एज इट इज़ बना चुके हैं।
और अब इसका टॉप व्यू हम ड्रॉ करेंगे, साइड व्यू में क्या आएगा वो तो यहाँ दिया नहीं, इट मीन्स आप साइड व्यू में कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ साइड व्यू तैयार कर लेते हैं, इसका साइड व्यू हम इसका प्लेन रखते हैं। तो ये हमने साइड व्यू भी बना लिए, वैसे साइड व्यू दिया नहीं था तो साइड व्यू आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हमने बिल्कुल साइड व्यू प्लेन रखा है और अब हमें यहाँ टॉप व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू में ये जो पार्ट है ये आपको जो क्लियर कट दिख रहा है इसके अंदर कोई भी डार्क लाइन नहीं है, इट मीन्स ये आपको पूरा क्लियर कट दिख रहा है। तो वो पार्ट आपको ये देखिए, ये है वो पूरा फ्रंट व्यू का फ्रंट व्यू पार्ट। और अब ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में आपको तीन ब्लॉक दिख रहे हैं, देखिए ये ब्लॉक नंबर वन, ये ब्लॉक नंबर टू, ये ब्लॉक नंबर थ्री, ये तीनों आपको ड्रॉ करना है। ये जो तीन ब्लॉक है, ये तीन ब्लॉक में ये जो एज है, देखिए ये जो एज है और ये जो एज है, ये जो एज है, ये एज मतलब ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट का ये जो एज है ऊपर का, ये एज इट मींस ये एज है, और इधर का ये जो एज है वो ये स्लॉट का इधर का एज है। तो वो आपको ड्रॉ करना आसान है। ये देखिए ये जो स्लॉट का ये जो फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर, तो आपको क्या करना है, ये जेड एक्सिस को पैरेलल आपको क्या करना है, ये जो स्लॉट का फर्स्ट कॉर्नर है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है जेड एक्सिस को पैरेलल, और यहाँ से भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे जेड एक्सिस को पैरेलल। तो ये देखिए ये हमने जेड एक्सिस को पैरेलल ले लिए, ये जेड एक्सिस को पैरेलल एग्जैक्टली हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ऐसा बनेगा, ये हमने एग्जैक्टली जेड एक्सिस को पैरेलल ये हमने लाइन ड्रॉ की है। उसी तरह से जेड एक्सिस को पैरेलल आप यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये जो कॉर्नर हमने बताए थे वो कॉर्नर से भी आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ऐसा बनेगा, और ये जो स्लॉट है, ये जो स्लॉट आगे है, ये जैसा ये स्लॉट आगे है वैसा ही ये स्लॉट पीछे भी होगा, क्योंकि हमने आपको कहा था ये जो स्लॉट है ये पूरा आर पार ऐसा कट गया है, इट मीन्स यहाँ पे एयर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पूरा आर पार ऐसे कट गया है। तो यहाँ से ये जो स्लॉट कटा है ये पूरा आर पार कटा है। तो ये स्लॉट एज, ये स्लॉट का जो एज है, इट मीन्स जो उसका डेप्थ है, ये आपने फ्रंट में शो किए, इसी टाइप का डेप्थ आपको बैक साइड में भी शो करना है। जैसे यहाँ पे 10 mm यहाँ से अंदर लिया है उसका डेप्थ, वैसे ही ये कॉर्नर से भी आपको 10 mm डेप्थ अंदर लेना पड़ेगा। तो ये देखिए हम वाई एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm हम अंदर ले लेंगे। तो ये देखिए ये हमने 10 mm अंदर ले लिया उसका डेप्थ, और अब जैसे आपने यहाँ से 10 mm अंदर लिए वैसे ही यहाँ से भी आपने 10 mm अंदर लिए, और अब इनको आप ज्वाइन करेंगे, ये बिल्कुल जेड एक्सिस को पैरेलल रहेगा। ऐसा, और अब जैसे यहाँ से इधर एक लाइन गई है, यहाँ से देखिए एक एज इधर गई है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल यहाँ से भी आपको एज, एक एज इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, जितना दिखेगा उतना ड्रॉ करना है, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल होना। तो ये देखिए हमने स्केल को एक्स एक्सिस को पैरेलल ले लिए, और यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ऐसा बनेगा, और अब रिमेनिंग व्यू हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ये रिमेनिंग एजेस जो है वो हमें ड्रॉ करना है। अब ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है, जो पार्ट दिखता है वो आपको डार्क बनाना है, और जो नहीं दिखता है उसको आपको फेंट रखना है या तो ड्राइंग नहीं करना। तो फाइनली सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और अब जो हमने यहाँ पे जो नेमिंग दिए थे हमने PQRS, वो आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने जस्ट आपको समझाने के लिए दिए थे, तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए है। एग्जाम में आपको PQRS ABCD ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिना नेमिंग दे के ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। तो ये देखिए ये तो सभी को हमने नेमिंग को हमने हटा दिए, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं उसमें एक्स एक्सिस को भी हम निकाल देते हैं, यहाँ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जेड एक्सिस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जितना आप देख रहे हैं उसमें जो आपको ब्लैक कलर से यहाँ पे दिख रहा है वो आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय डार्क लाइन से ड्रॉ करना है, और जो आपको रेड कलर से आपको दिख रहा है वो आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय फेंट बनाना है। तो फाइनली ये सॉल्यूशन यहाँ पे रेडी है, और अब हम यहाँ पे डायमेंशंस भी लिख लेंगे। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट प्रॉब्लम ड्रॉ कर लिए, उसमें जो ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया था उसके अकॉर्डिंग ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू ऐसा बनेगा। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू यानी ही 3D व्यू, हमने ये आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ किए हैं। अगर एग्जाम में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने को कहा तो आपको ड्रॉ करना है बाय यूजिंग एक्चुअल लेंथ, इट मीन्स जो आज हमने बनाए बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने को कहा तो ऐसे में आपको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा बाय यूजिंग आइसोमेट्रिक लेंथ,
जो कि आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करना, आइसोमेट्रिक लेंथ कैसे फाइंड आउट करना, वो भी हमने इसके पहले की वीडियोज़ में बताए थे। आइसोमेट्रिक पेंटागॉन, आइसोमेट्रिक हेक्सागॉन, आइसोमेट्रिक स्क्वायर, आइसोमेट्रिक सर्कल, ये सब कैसे ड्रॉ करना इसके पहले के वीडियोज़ में वो हमने सब बताया है। आपने अगर इसके पहले के वो सभी वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ का लिंक दिया है, आप वो सभी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।